Thank you. That I am announcing the names of meritorious students for the Bhavishya Jyoti Puraskar Award. First, Bureau in charge, Mr. Subhash Agnihotri, to come on the stage for the welcome speech. Namaskar. अमर उजाला परिवार की तरफ से हमारे जन्म अमर उजाला परिवार की तरफ से मैं सुभाष कुमार अग्निहोत्री अमर उजाला की आज सभी का तहे दिल से करता हूँ। अमर उजाला परिवार की तरफ से मेधावी बच्चों को सम्मानित करने के लिए भविष्य ज्योति सम्मान समारोह का आयोजित किया गया है। इससे पहले ये शिमला में राज्य स्तरीय स्तर पर आयोजित किया गया था, जिसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा प्रदेश भर के जो अव्वल बच्चे थे उन्हें सम्मानित किया गया था। इसी की अवज में अब जिला स्तर पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो इस कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि एएसपी साहब चंबा, विशिष्ट अतिथि हमारे जिला ठाकुर जी, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के हमारे प्रधानाचार्य विपिन जी, डिप्टी डीओ हमारे भूल मैम और किड्स इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल के जो प्राचार्य हैं, इनका बड़ा बड़ा आभार। अमर उजाला का मतलब ये नहीं कि समस्याओं को उजागर करना है, समस्याओं को उजागर करने के अलावा अमर उजाला बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए भी इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन करती है। उसमें हमें लोगों का बड़ा ज़्यादा सहयोग मिलता है। उसी का एक उदाहरण है कि एक छोटे से समय अनुसार इस तरह के कार्यक्रम को आयोजन किया गया और हमारे बच्चों के अभिभावक, बच्चे, स्कूल स्टाफ और हमारे गणमान्य व्यक्तियों ने अपना कीमती समय निकाल कर हमारे साथ पहुंचे। अमर उजाला देश भर में तीसरे नंबर पायदान पे है और हिमाचल में सर्वाधिक पढ़ा जाने वाला एक समाचार पत्र है। ये लोगों की निष्ठा, अमर उजाला की निष्ठा, लोगों का स्नेह और प्रेम है कि अमर उजाला को लोग इतना पसंद करते हैं। तो इसी एवज में कड़ी जोड़ते हुए इस तरह के प्रोग्राम आयोजित किए जा रहे हैं। चंबा जिला वैसे भी पिछड़े क्षेत्र में पायदान पे पहुंचा दिया गया है, तो इसमें इस तरह के जैसे एक्टिविटी करके बच्चों की जो प्रतिभा है उसको उजागर करना ही अमर उजाला का मुख्य लक्ष्य है। मैं ज़्यादा ना बोलता हुआ आप सभी का इस कार्यक्रम में प्रधान्य पर स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सर। नाउ आई रिक्वेस्ट अवर रिस्पेक्टेड चीफ गेस्ट एएसपी चंबा मिस्टर रमन शर्मा, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिस्टर सुभाष अग्निहोत्री, डिप्टी डीओ मिस्टर हितेंद्र सर and our worthy chairman to come on the stage for the prizes, please. Sir, please. Thank you.
school, 95%. Garima Mahajan, much congratulations, ma'am. Congratulations, sir. Thank you. Riya Thakur, 95.7%. Amanpreet Kaur, 95.14% from Mudd School. Shruti Thakur, 10th class, Kids School, Chwari. Ananya. Ananya, 97.5%. Ananya, 97.5%. Rajesh Kumar, 12th class, Dadriyada School, 92%. Kids International Public School, Sakshi Thakur, 93.7%, Kids School, Sultanpur. ये सभी students हमारे school के हैं. Erica Pandit. Erica Pandit. Manisha, 89%, Kids International Public School. Rishabh Mehra, 88%, Kids International Public School. Smriti Rana, 84%, Kids International Public School. Divya, Kids International Public School, 80%. Bye.
अजय महाजन बीपीएस चंबा काजल वर्मा हार्टी पब्लिक स्कूल चंबा 89% मानसी गुप्ता 93.1% फ्रॉम बीपीएस चंबा स्वास्तिका उपमान्यु 89% फ्रॉम भारती पब्लिक स्कूल चंबा श्रेया बेगी 91% फ्रॉम भारती पब्लिक स्कूल चंबा कॉन्ग्रेचुलेशंस मैम सुधीर कौशल फ्रॉम भारती पब्लिक स्कूल चंबा 90% Rajesh Thakur 92.4%
Chamba. Schools for 93.6%. Rakesh Kumar scored 91.8% from DAV Public School, Chamba. The officers present, the officers of Chamba district, ex-in PWD, DEO sahab, principal ITI, and the management of this beautiful school, the parents of the prize winners, the students who have got prizes from this Amar Ujala group. On behalf of district administration and police administration, thank you Subhash ji for inviting me on this wonderful occasion and to be with you people. This is really a wonderful occasion and very good initiative from the Amar Ujala group that Bhavishya Jyoti Puraskar, the prizes are being distributed among these students. I congratulate all these students who have got these prizes and their parents also. On behalf of police department, I would like to say that Bhavishya Jyoti Puraskar is really a boost for those who want to discover their identity and they want to become something. This is really very good motivation to those students. But I would like to share one thing to all the parents, to all the students who are present here. This is very, very important for everybody. And I will request the students especially to listen to me carefully because this matter is very important for them. आप लोगों का भविष्य तभी अच्छा हो सकता है जब आप अपनी आदतों को इस तरह से बनाएं कि आप भविष्य में कुछ करने के काबिल रहे। मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे स्टेट में जो यूथ है दैट इज बीइंग डे बाय डे ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स नशा। नशे का जो प्रचलन हमारे सोसाइटी में, हमारे यूथ में, हमारे टीनेजर्स में जो नया प्रचलन आ रहा है वो हमारी भविष्य की, जो हमारे भविष्य की, जो हमारे देश की बुनियाद है उसको डे बाय डे खोखला कर रहा है। We have seen example of Punjab, we have seen it and we have experienced it that what can be the outcomes of menace of drug addiction. तो आप लोग अपने भविष्य को तभी सुनहरा बना सकते हैं, तभी अच्छा बना सकते हैं जब आप इन बुरी आदतों से दूर रहेंगे, अपने आप को इतना मजबूत बना लेंगे कि आपको इस तरह के किसी सहारे की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सो आई रिक्वेस्ट यू पीपल टू बी अवे फ्रॉम ऑल दीज ड्रग्स एंड ऑल दीज टाइप्स ऑफ नशास सो दैट योर भविष्य, योर फ्यूचर इज रियली वंडरफुल। आई थैंक यू ऑल टू लिसन टू मी पेशेंसली। थैंक यू वेरी मच। I would like to call the boys of school, our school, to join the performance of soldiers with their powerful energy. Please come on the stage, please, boys. हमने वहाँ पे बना लिया था।
call Ms. Akshita Gupta, daughter of Mr. Chandrasekhar Gupta. Manvi Thakur, daughter of Mr. Mahendra Singh Thakur. Arushi Soni, daughter of Mr. Vinod Soni. Come on the stage.
उपाधि Now I request to exchange PWD sir please come on the stage Now I request ITI principal Mr. Vipul Sharma Thank you sir thank you ma'am thanks Mark School, ma'am, please come on the stage. I request SDO PWD, Mr. Shetty, please come on the stage, sir. Thank you, sir. Thank you, ma'am. एक बच्चे कुछ त्रुटि बस या थोड़ी देरी से पहुंचे हैं तो मैं चाह रहा था कि डिप्टी डीओ एजुकेशन उन बच्चों को भी प्रोत्साहित कर दें अपने हाथों कर कमलों से अगर उन्हें सम्मानित करते हैं तो बच्चों के लिए भी गौरवान्वित होने की बात है ये मुख्य लक्ष्य ये था कि हमारे चंबा की जो प्रतिभा है उनको उत्साहन देना प्रोत्साहन देने के लिए ही अमर उजाला परिवार द्वारा इस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया गया था उसमें हमारे मुख्य अतिथि विशिष्ट अतिथियों और हमारे किड्स इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल के प्रधानाचार्य स्कूल स्टाफ ने भरपूर योगदान दिया है तो मैं आभार सभी विशिष्ट अतिथियों का इस कार्यक्रम में मौजूद रहने के लिए और हमें अपना स्नेह प्रेम देने के लिए धन्यवाद करता हूँ धन्यवाद जैसे अमर उजाला नाम भविष्य ज्योति योजना से हमारा प्रोत्साहन बढ़ाया है इसके लिए मैम हम सारा क्रेडिट अपने पेरेंट्स को और अपने स्कूल किड्स इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल को और यहाँ के टीचर्स को देना चाहती हूँ भविष्य में भी हम ऐसे ही एनकरेज ऐसे प्रोग्राम्स हमें एनकरेज करते हैं और अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है भविष्य मेडिकल के क्षेत्र में उन्नति करना चाहती हूँ आई वॉन्ट टू बिकम अ न्यूरोसर्जन और मैं अपने इस लक्ष्य पर ज़रूर काम सफल होंगी इसका क्रेडिट अपनी टीचर्स को अपनी स्कूल को जो मेरे सारी टीचर्स हैं उनकी मेहनत और अपने पेरेंट्स का और मैं आगे चल के एक डॉक्टर बनना चाहती हूँ और मैं मतलब कोशिश करूँगी कि आगे चल के इससे भी अच्छे मार्क्स लूँ और अपने देश का नाम रोशन करूँ थैंक यू इसका क्रेडिट ना मेरे पेरेंट्स को और किड्स इंटरनेशनल को जाता है मैं 12 प्लस 2 में और अच्छे मार्क्स लूँगी और मेरा एम है कार्डियोलॉजिस्ट क्रेडिट मैं अपने पेरेंट्स को देना चाहूँगी और इस स्कूल को क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया और हर चीज़ में साथ दिया उन्होंने बिलीव किया इसी वजह से आज मैं मार्क्स स्कोर कर पाई और आई होप कि मैं 12th में भी इससे ज़्यादा मेहनत करूँगी और जो मेरा एम है टू बिकम अ कार्डियोलॉजिस्ट उसे पूरा करूँगी इसका क्रेडिट अपने पेरेंट्स स्कूल और टीचर्स को देना चाहती हूँ क्योंकि उन्होंने इस मार्क्स को अचीव करने में मेरी बड़ी हेल्प की है और एम मेरा मैं मेडिकल के क्षेत्र में कार्य करके डॉक्टर बनना चाहती हूँ और इस काम में मैं अपनी पूरी मेहनत करके डॉक्टर बनूँगी मैं इसका करियर अपने माता पिता स्कूल और यहाँ के टीचर्स को देना चाहूँगा और मैं आगे चल के आर्किटेक्ट बनना चाहूँगा ज़्यादा मेहनत करूँगा इस बार से और प्लस टू में ज़्यादा मार्क्स लेकर आऊँगा 10th क्लास के मुकाबले
मम्मा पापा, अपने टीचर, सबसे बड़ा क्या मैं दीदी को दूंगी क्योंकि उन्होंने मेरे को मोटिवेट किया है और मैं यहाँ तक पहुँची हूँ और मेरा एम है कि मैं लॉयर बनूँ। मैं अपने इन मार्क्स का क्रेडिट अपने टीचर्स को, अपने पेरेंट्स को देना चाहती हूँ और मैं इन फ्यूचर ट्राई करूँगी कि मैं IPS ऑफिसर बनूँ।